और दूसरी है इसकी पावर यहाँ पे बेस क्या है टू और पावर क्या है थ्री? टू की पावर थ्री, जो है एक्सरसाइज नंबर फाइव स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट है पावर इज अनदर टर्म फॉर पावर किसकी अनदर टर्म है एक्सपोनेंट की सेकेंड वन है नेगेटिव वेज राइज टू द

इफ द बेसिस आर द सेम देर पावर्स आर अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है हमेशा एड हो जाती है तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे एडेड अगर बेसिस सेम है तो देयर पावर्स मस्ट बी एडेड फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है नंबर राइज टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जब भी किसी नंबर की पावर जीरो आती है तो वो किसके इक्वल आता है वन के इक्वल आता है किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा वन के इक्वल होती है

विच इज इक्वल टू माइनस थ्री तो जब हम माइनस थ्री की पावर फाइव को डिवाइड करेंगे थ्री पावर फोर से तो आंसर हमारे पास माइनस थ्री ही आएगा ठीक है थर्ड है द रेसी प्रोकल ऑफ टू पावर फोर इज फोर पावर टू नो इट इज फॉल्स क्योंकि रेसीप्रोकल का क्या मतलब होता है पावर अगर प्लस में है तो नेगेटिव में हो जाती है और अगर नेगेटिव में है तो प्लस में हो जाती है टू की पावर फोर का रेसीप्रोकल होगा टू की पावर माइनस so, फोर तो यहाँ तो फोर की पावर ट्रू है तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है इसी तरह इसका फोर्थ uh, जो है वो स्टेटमेंट है टू थाउजेंड की पावर जीरो मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड पावर जीरो इज इक्वल टू वन येस इट इज़ ट्रू जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था मैंने आप लोगों को बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में कि एनी नंबर विद द पावर ज़ीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होगी तो वो वन के इक्वल आएगा टू थाउजेंड की पावर जीरो है तो ये भी वन वन थाउजेंड की पावर जीरो है तो ये भी वन जब वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा वन के तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है इसकी फिफ्थ uh, स्टेटमेंट है फाइव पावर फोर इज ग्रेटर देन फोर पावर फाइव ये है फॉल्स क्योंकि फाइव की पावर फोर जो है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन फोर की पावर फाइव से नहीं आएगा फोर की पावर फाइव को जब फोर को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ग्रेटर आएगा एज कंपेयर टू फाइव पावर फोर तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास फॉल्स है